तो कैसे हो मेरे भाई लोग, मैं आज आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। एंड आज के वीडियो में मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक ऐसा मोड जो कि आपका कैमरा एंगल चेंज करने में बहुत ही मदद करेगा, और एक क्लिक में आप पूरा गेम मोड चेंज कर सकते हो। और ये मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ पॉकेट एडिशन वाले बंदों को, और ये वाला मोड काफी मजेदार होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि लिटरली ये पीसी की तरह F5 बटन की तरह काम करेगा। एंड पहले मैं आपको गाइस ये बटन यूज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप्स भी बता दूंगा कि आप कैसे वाले मोड को डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारा पुराना डिस्कॉर्ड हैक हो चुका है, तो आप सब न्यू डिस्कॉर्ड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस मुझे थोड़ी सी अभी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप सब मुझे सपोर्ट दिखाओ एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस बहुत हो गई बातें, मैं अब करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। एंड हाँ, तो मेरे भाई लोग मैं यहाँ पे गेम के स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख लो आपको सेटिंग्स पे जाना है। एंड आपको यहाँ पे इनेबल सेटिंग ओवरले मिलेगा, सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। एंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लो सेटिंग्स ओवरले इनेबल सक्सेसफुली आपका लिखा चुका है नाउ। तो अब आपको यहाँ पे ऊपर 5 ऑप्शन दिखने लगेंगे, तो अब मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका कैमरा एंगल चेंज कर देगा, ये थर्ड पर्सन मोड हो गया, ठीक है। एंड अगर आप उस पे एक और बार क्लिक करोगे तो आपका थर्ड पर्सन कैमरा एंगल कर देगा। एंड गाइस जो अब आपको राइट साइड वाला जो बटन दिखा है उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप क्विक सेटिंग्स में आ जाओगे, एंड इसमें आप अपना पीओवी बढ़ा सकते हो एंड अपना पर्सनल गेम मोड एक सेकंड में चेंज कर सकते हो। एंड गाइस मैंने यहाँ पे अपना पीओवी पूरा फुल कर दिया है, देख लो, ठीक है। एंड आप यहाँ पे एक सेकंड में अपना पीओवी कम भी कर सकते हो। एंड गाइस इसमें जो बेसिक चीज है वो है सर्वाइवल, क्रिएटिव, एडवेंचर एंड स्पेक्टेटर मोड, ये एक सेकंड में आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सर्वाइवल मोड कर लिया एक सेकंड में, देख लो। तो मेरे भाई लोग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि आप ये कैसे यूज कर सकते हैं, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज तो आपको आते नहीं होंगे। सॉरी गाइस, जस्ट किडिंग। तो गाइस चलो, तो मैं आपको ये वाला मोड डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दोनों में पिन कर दूंगा, एंड वहां से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है, आपको जाना है जेड आर्चीवर में। जेड आर्चीवर में सिंपली आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है, देन सिंपली आपको वो वाला फाइल ढूंढ लेना है जो आपने डाउनलोड किया था, एंड उस पर आपको क्लिक कर लेना है एक बार, एंड उस पर आपको होल्ड करके उसका रीनेम कर देना है, ठीक है। एंड रीनेम के बाद आपको सीधा जेड आईपी हटा देना है पीछे से, एंड डॉट को भी हटा देना है, एंड ओके करके सेव कर देना है। एंड मेरा यहाँ से ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा है, इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। एंड सेव करने के बाद आपको व्यू के बगल में एक एरो वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है एंड माइनक्राफ्ट को सेलेक्ट करके ऑलवेज ओपन कर देना है। राधे राधे। एंड यहाँ पे आपका माइनक्राफ्ट ऑन हो जाएगा। माइनक्राफ्ट ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाएगा इंपोर्टिंग स्टार्टेड, एंड इंपोर्टिंग स्टार्टेड का वेट करना है, उसके बाद आपका सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगा। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले से लोड करके रखा है। एंड सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में स्क्रॉल करना है नीचे, एंड ग्लोबल रिसोर्स पैक में माई पैक्स में जाना है, ठीक है। एंड माई पैक्स में जाने के बाद आपको ये वाला एक्टिवेट कर लेना है, एंड एक्टिवेट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। एंड जैसे ही गाइस आप यहाँ पे बैक आओगे यहाँ पे दिखाएगा लोडिंग रिसोर्स पैक, दिस में टेक अ फ्यू मोमेंट, उसके बाद आपका ये लग चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मैं क्रिएट वर्ल्ड करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस ये SNP में भी चल जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लेयर में भी इजिली चलता है। बस मैं आपको एग्जांपल के लिए वर्ल्ड में दिखा देता हूँ करके, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लो मेरा वर्ल्ड लोड हो गया है। सो फाइनली आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, देख लो एडिट इनेबल सेटिंग आ चुका है, एंड यहाँ पे आपका फिर से वो वाला सारा चीज आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो गाइस ये था आज का वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड बाय बाय।